चलिए दोस्ती देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो किरण है आपकी, उसके सिंपल एंड टेस्ट के कुछ क्वेश्चन में लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रेगुलर हम आपको देते रहेंगे, और फिर इसके बाद जैसे ही हम अपने कानपुर पहुंच जाएंगे लॉकडाउन के बाद में, फिर आपको अच्छे से चीजें मिलेंगी। फिर इस टाइप से नहीं मिलेंगी जैसे अभी हम आपको दे रहे हैं, अभी आपको ऐसे ही रफली टाइम में आपको दे रहे हैं, जिससे आप देखिए आपको क्या कुछ थोड़ा बहुत फायदा होता है नहीं होता, जैसा भी हो आप एक बार फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है इसमें किरण के, एक तरफ से लेंगे तो ये पूरी बुक ही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करवाएंगे, उसके बाद आगे चल के हम आपको अच्छे से विधिवत कराएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है किरण का, क्वेश्चन आपके साइड में दिख रहा होगा आपको, कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7%, यानी ए ने बी को दिया और कुछ धनराशि किसको, सी को दिया है। एक बी को दिए हैं 2500 रुपये, ठीक, बी को दिए 2500 और इसी टाइम पे सी को ही उसने कुछ धनराशि दी है, और उसने क्या किया है कि 7% वार्षिक दर से दोनों को दे दिया, और 4 वर्ष के लिए दे दिया, 4 वर्ष के लिए दोनों को दे दिया, और इन दोनों से ब्याज के रूप में उसे कितना प्राप्त होता है, 1120। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताओ सी को उसने कितनी राशि उधार दी थी। तो सिंपल सा है ये, 7 × 4 यानी 28% ब्याज यहाँ पे बनेगा और 28% ब्याज यहाँ पे बनेगा। 2500 का अगर आप 28% निकाल रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा 700 रुपये, मतलब 1120 रुपये में 700 रुपये ब्याज इससे आ गया होगा, तो बचा होगा 420, वो ब्याज आया होगा इस धनराशि से। तो वो 28 बराबर आपको दिया गया है, और पूंजी होती है 100%। ठीक, तो 100% बराबर अगर आप निकाल रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा आंसर 1500। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर तथा उसी के बराबर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली, ठीक, उससे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में ऋण दिया, तो कितनी धनराशि ली थी। मतलब ये है कि उसने कुछ धनराशि 9% वार्षिक दर से उधार ली है, और इसी के बराबर एक धनराशि और ली है, उसको 10% से लिया, 2 साल के लिए इसको लिया और 2 साल के लिए इसको लिया, तो यहां से ब्याज बनेगा 18% और यहां से ब्याज बनेगा आपका 20%, तो कुल मिलाकर जो ब्याज आपका बन जाएगा वो 38% ब्याज बन जाएगा, और 38 बराबर आपको जो दिया गया है 760 रुपये के, 38 बराबर 760 दिया गया, 100% बराबर निकालो तो आपका आ जाएगा 2000। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2000, डी आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, यानी 12% वार्षिक दर से उसने लिया है, कितने समय के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया है, मतलब उसका ब्याज बन जाएगा 36%, 36% उसका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा साधारण ब्याज। इसका मतलब ये हो गया कि 36% बराबर 5400 दिया गया, और हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो 100 बराबर निकालेंगे, 36 का 1.5 गुना 54 होता है, इसका 1.5 गुना 150 और 2 जीरो लग जाएंगे, तो आपका आंसर आ रहा होगा 15000, जो कि आपका डी आंसर है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 81 रुपये हो जाएंगे,
मतलब किसी ने 72 रुपए जमा किया है 6.14% वार्षिक दर से, कितने समय में 81 रुपए हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ 72 यहाँ 81, तो कितने रुपए ब्याज मिला होगा? 9 रुपए। कहाँ से मिला होगा? 72 रुपए से। ठीक, ये इंटू 100 कर दिया हमने, यहाँ से तो कितना हो गया 9 रुपए, और 6.14 मतलब हो जाएगा 25/4, और इंटू टी बराबर दिया गया। तो आपको बस टी का मान निकालना है, तो 25 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 25 से 4 हो जाएगा, और इस 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो हो जाएगा 18। ठीक, और 9 से इसको कैंसिल आउट कर दो 2, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो 2, तो आंसर आ जाएगा टी बराबर 2 वर्ष। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर हमने लिया है आपका 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या दिख रहा है। 7300 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, कोष्ठक में लिखा है दोनों दिनों को सम्मिलित कर साधारण ब्याज बताइए। मतलब 7300 रुपये किसी ने उधार लिया और कब लिया? 5% वार्षिक दर से लिया 11 मई से 10 सितंबर तक। हमें यहाँ पर ये निकालना है कि यहाँ पे हमारे कितने दिन बने होंगे, तो आपको 11 मई से 10 सितंबर तक निकालने हैं। तो 11 मई से 10 सितंबर तक निकालोगे तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक, तो ये आपका सीधा सीधा अगर आप ऐसे जोड़ लो तो आपका ये हो जाएगा, ये 11 मई से आप जोड़ोगे तो ये आपके बनेंगे 123 दिन। कितने बनेंगे आपके? 123 दिन, और बटे कर देंगे हम 365, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो 105 आ रहा होगा। नहीं, 123 ही आप लिखा रहे मेरे सीधे, हमें इससे ब्याज पूछा गया। ठीक है, तो 7300 × 5 × 123 बटे 365, और बटे आप 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, इनका गुणा कराओगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 123 रुपये। ठीक है, इस टाइप से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी टाइप से अगर आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दिए जाएं तो आपको क्या कुछ इससे फायदा होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप लोग हमें फीडबैक जरूर दें। जब तक आपके लिए ऐसे कुछ हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जितने भी सॉल्व हो जाएंगे उतना करा दिए जाएंगे, बाकी जब हम लोग कानपुर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे सारी विधिवत चीज़ें जैसे प्रॉपर चलती हैं वैसे चलेंगे, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए अगर ऐसे आपको कुछ फायदा हो सकता है तो आप लोग हमें फीडबैक दें, तो इससे आपको आगे रेगुलर वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आपको उचित लगे वो आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए, अगर ठीक लगता है तो फिर आगे देखा जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं।